हेलो दोस्तों, एचडी फैशन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो क्या होने वाली है वो तो आप ऑलरेडी थंबनेल से जान ही चुके हैं, तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये शीट ले ली है और अब मैं इसे फोल्ड कर इस पर मार्क लगाऊंगी। तो मुझे स्लीव की लेंथ चाहिए 5.5 इंचेस, तो मैं 5.5 इंचेस पर मार्क कर दूंगी। इस पे दोनों तरफ मार्क करने के बाद मैं एक लाइन खींच दूंगी। अब हम इसे कट करेंगे क्योंकि मुझे साइड में और भी मार्जिन चाहिए, यानी कि जो स्लीव में मार्जिन लगता है वो चाहिए। अभी मुझे आर्म होल कट करना है तो उस अकॉर्डिंग इस पे मार्जिन ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं इस लाइन को खींचा जो है मैंने उसे डबल पर ही कट कर दूंगी। इसे कट करने के बाद अब ये दोनों पार्ट्स मैं साइड में प्लेस कर दूंगी और टेप से चिपका दूंगी। के बाद अब मैं इस पे मार्क लगाऊंगी जो भी मेरा आर्म होल था उस अकॉर्डिंग। फिलहाल यहाँ पर 8 इंच शीट थी तो मैंने 8 इंच ही लगाया, बाकी अगर एक्स्ट्रा होता है तो आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो, वो आप कटिंग के टाइम पे कर सकते हो। और अब यहाँ से मैं 2.5 इंच लूंगी आर्म होल के लिए जो शेप दी जाती है। तो सबसे पहले मैं टॉप से लेकर जो 2.5 इंच है उस पर एक सीधी लाइन खींच देती हूँ। लाइन खींचने के बाद अब इसमें शेप देनी है जो कि आर्म होल की शेप होती है, उसे देते हुए अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। और कटिंग करने के बाद मैं आपको मेन पार्ट बताती हूँ कि मेन पार्ट इसमें करना क्या क्या है, यानी कि स्लीव डिज़ाइन किस तरीके से कट होगा। तो ये हमारी स्लीव्स कट चुकी है और ये है 5.5 इंचेस की। तो यहाँ से ऊपर से हम टॉप पर 2 इंच पर मार्क करेंगे और ऐसा ही सेम हम दूसरी तरफ भी 2 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये 2 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम उसके साथ में एक और 1.5 इंचेस यानी कि 1.5 इंच और फिर 1 इंच, ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी कर देंगे 1.5 इंच और फिर 1 इंच। ठीक है, ये तीनों मार्क करने के बाद हम सेंटर से जो हमारा सेंटर था उससे मिला देंगे। एक एक करके हम सारी लाइनें खींच देंगे, जितने भी हमने मार्क किया है उसे सेंटर से मिलाते जाएंगे दोनों तरफ। दोनों तरफ लाइंस खींचने के बाद अब हम इसे कट करेंगे और कट हमने लास्ट में थोड़ा सा छोड़ देना है ताकि आराम से खुल सके। बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ना है, मतलब इतना कि फटे ना, बट यह है कि आपका खुल जाए। तो इसी तरह हम पूरे पे कट डाल लेंगे, जितने भी हमने लाइनें खींची है उन सब पर कट्स डाल लेंगे। कट्स डालने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखने वाली है और इस तरीके से हम इसे प्लेस कर देंगे कपड़े पर। तो ये हमने बिल्कुल सेंटर ले लिया, जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका सेंटर है वो हमारा, और हम इसे पूरा कॉपी कर देंगे शेप इसकी। और इसे कॉपी करने के बाद हम एक शेप और देंगे जो कि आपकी मेन कटिंग होगी।
हमने ये एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर दिया है। अब हम ये जो आउटलाइन दे रहे हैं ये हमारी मेन कटिंग है, तो हमें सिर्फ इसको ही कट करना है जो हमारी आउटलाइंस हैं। अब इन्हें मार्क कर दिया, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग इसके हमने आउटलाइन ही करनी है और कुछ एक्स्ट्रा कट नहीं करना है। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब जो हमारे ये ट्रायंगल्स जा रहे हैं उन पर हम नॉचेस देंगे, यानी कि कट्स डालेंगे। ये नॉचेस हमने इसलिए डाले हैं क्योंकि हमने जो मेजरमेंट है, जो नाप है, वो हमने उल्टी साइड पर रखा है और प्लेट्स हमने सीधी साइड से बनानी है, तो ये नॉचेस हमें हेल्प करेंगे। कट से हमें पता चलेगा कि कितने कितनी कहाँ कहाँ प्लेट्स डलेंगी। प्लेट्स डालने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। अभी तो मैं आपको टेम्परेरी दिखा रही हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी स्लीव्स। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा सेंटर है वो लेंगे और उससे हम एक एक करके प्लीट्स अटैच करते रहेंगे। तो हमने ये प्लीट्स देखिए आप इस तरीके से अटैच कर लेंगे, जो हमारे नोचिस थे उन्हें मिलाते हुए एक पिन लगा लेंगे। तो ऐसे ही मैंने दूसरी तरफ भी करना है, जो हमारे नोचिस हैं यानी कि कट्स हैं उन्हें सेंटर पर लाएंगे और एक एक करके एक के ऊपर एक हम इसे सेट करते रहेंगे और पिन की हेल्प से इसे सेट कर देंगे और फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो पहले मैं इसे सेट करके आपको दिखाती हूँ कि कुछ इस तरीके से ये दिखने वाली है। तो ये पिन लगा के कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लुक करेगी। अब नीचे वाली साइड हमने पट्टी लगानी है, तो पहले हम मेजरमेंट करेंगे ये फैब्रिक कितना है, यानी कि स्लीव्स हमारी कितनी बनी है। तो ये कुछ 18 इंचेस है, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लूंगी ताकि कम ना पड़े। और यहाँ पर मैंने 2 इंच की पट्टी ली है, वो भी सीधी तिरछी नहीं ली। तो सबसे पहले हम उल्टी तरफ से पट्टी लगाना शुरू करेंगे, सिलाई लगाते जाएंगे सीधी सीधी और प्लीट्स का ध्यान रखेंगे हमारी इधर उधर मुड़े ना, अंदर की तरफ ना जाए। पट्टी लगाने के बाद ये एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देंगे। अब जो हमारी पट्टी है उसे हमें फोल्ड करना है। यहाँ पे पहले हमने थोड़ा सा फोल्ड करना है और बाकी सारा हम उसके ऊपर ही ले जाएंगे जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी, और इसी के ऊपर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा के इसे पूरे रेडी कर देंगे। तो हमारी सिलाई लग चुकी है और ये कुछ इस तरीके से लुक करने वाली है, बिल्कुल ही परफेक्टली ये रेडी हो चुकी है। अब ये बिल्कुल रेडी है, इसके सेंटर में मैं बस एक मोती लगा रही हूँ ताकि ये और अच्छे से लुक कर पाए। आप चाहो तो कुछ और भी लगा सकते हो, बटन्स या जो भी आपके सूट से या कुर्ती से मैच कर रहा है
आप उससे रिलेटेड चीज़ें लगा सकते हो। फाइनली हमारी ये स्लीव्स रेडी हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।